मुंबई से उड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में अचानक अफरा तफरी मच गई। दरअसल एक यात्री की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, ऐसे में इमरजेंसी में फ्लाइट पाकिस्तान के कराची में लैंड करवानी पड़ी। फ्लाइट लैंडिंग करवाने के लिए पाकिस्तान नागरिक उड्डयन अथॉरिटी से बातचीत की गई और उन्होंने इमरजेंसी में फ्लाइट को एयर स्पेस में आने की मंजूरी दी। करीब दोपहर 12:30 बजे कराची के एयर स्पेस में इसे उतारा गया। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत राजस्थान में महिलाओं को 7,000 रुपए का स्मार्टफोन फ्री में दिया जा रहा है। सरकार की ओर से यह योजना शुरू कर दी गई, जिसके लिए महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती है। यह योजना राज्य के चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई एक स्कीम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद से ही बगावत और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। टिकट कटने से नाराज नागौर विधानसभा के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बसपा की सदस्यता ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कमलनाथ को चुनाव में मजा चखाने की बात कही। विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से ही बड़वानी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जारी हुई पहली सूची में बड़वानी से राजेंद्र मंडलोई और राजपुर विधानसभा से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन जिले की पानसेमल विधानसभा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही इस्तीफा देने की बात भी कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट कटने की संभावनाओं पर बीजेपी के कई दिग्गज संघ की शरण में पहुंच रहे हैं, जहां नेताओं ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। बताया गया कि ये सभी नेता इलेक्शन में टिकट पाने के लिए दिग्गजों को मनाने में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, ऐसे में इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 1985 से दो चुनाव छोड़कर हर चुनाव में लड़े मंत्री तुलसी सिलावट के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। एक बार फिर से ग्रामीण सिलावट का गांव में इंतजार कर रहे हैं, जहां सिलावट ने सड़क और पुल बनवाने के लिए हाथ में जल उठाकर कसम खाई थी। वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतरकर दल बदलकर वापस पार्टी में आए पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की पुत्री रीना सेतिया को उतारा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ही मंदिर के दर्शन करने गए फाइनेंस कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का 13वां मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मौके पर मैच में अफगानिस्तान की टीम ने सबसे बड़ा उलटफेर कर दिखाया। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम को 69 रन से धूल चढ़ाकर अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया। रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन को लेकर फैंस काफी क्रेजी हैं। फिल्म में लीड सिंघम का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी अपने खास अंदाज में इस फिल्म में नजर आने वाली है। रोहित शेट्टी ने इस फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक जारी कर दिया। फिल्म में लेडी सिंघम बनी एक्ट्रेस दीपिका अपने लुक से तहलका मचा रही है। लोग एक्ट्रेस के इस लुक के दीवाने हो गए हैं और फिल्म का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। और लंबे इंतजार के बाद सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद फैंस की खुशी चरम पर पहुंच चुकी है। ट्रेलर में सलमान खान का वह दमदार लुक सामने आया, जिसे देखने के लिए फैंस बेहद बेताब थे। टाइगर 3 का ट्रेलर 2 मिनट 51 सेकंड का है।